माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हर जनपद में उद्यम समागम नाम का एक कार्यक्रम आयोजित करा जा रहा है। हमारे जनपद में एक उत्पाद एक जनपद स्कीम के अंतर्गत हथकरघा या हैंडलूम उत्पाद चयनित है। उसके लिए हम बुनकरों के लिए तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उनके बीच लाते हैं, उनसे लाभान्वित कराने की कोशिश भी लगातार करते रहते हैं। उसी दिशा में एक ये प्रयास उद्यम समागम के रूप में करा जा रहा है। 2 दिवसीय ये समागम आरआर कॉलेज में आयोजित करा जा रहा है, जिसमें तमाम विभागों द्वारा तमाम योजनाओं के स्टॉल लगाए गए हैं, साथ ही साथ उद्यमियों द्वारा भी स्टॉल लगाए गए हैं और अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करे जा रहे हैं, बेचे भी जाएंगे हैं। कुल मिला के 100 से अधिक यहाँ पे स्टॉल जनता के लिए लगे हुए हैं, जिसमें मेरा निवेदन रहेगा कि भारी संख्या में हरदोईवासी यहाँ पर आएँ, उन स्टॉल्स पे प्रोडक्ट्स को देखें और उनको वहाँ से परचेज करके इन बुनकरों को भी सहारा दें, उनका उत्साहन बढ़ाएं, साथ ही साथ जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं अन्य विभागों की जो स्कीम है उसके लिए पंजीकृत भी हों और उनसे लाभान्वित भी हों। साथ ही साथ उद्यम समागम में हम लोगों ने तकनीकी सत्र रखे हैं, हम लोगों ने विशेषज्ञों को अलग अलग जनपदों से बुलाया है जो अपने अपने क्षेत्र में नामी लोग हैं। कुछ विशेषज्ञ दिल्ली से, कुछ बनारस से, लखनऊ से यहाँ पे इस 2 दिन के समागम में प्रतिभाग करेंगे। उनके द्वारा तकनीकी सत्रों में उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए जितने भी कारीगर हैं, बुनकर हैं, उनसे बात करी जाएगी, उनको जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से वो अपने उत्पाद का प्रोडक्शन बेहतर कर सकते हैं। आजकल का समय हुनर को सही मूल्य मिलने का है और वो मूल्य तभी मिल सकता है जब आपका प्रोडक्ट सही तरीके से बना हो, कम लागत पे बना हो और उसकी मार्केटिंग के जितने भी साधन हो सकते हैं, खासकर ई कॉमर्स और वेबसाइट्स के माध्यम से भी जो मार्केटिंग हो सकती है, वो हमको अवगत कराएं, बुनकरों को अवगत कराएं, अन्य साथियों को भी अवगत कराएं और उसके माध्यम से ज़्यादा मुनाफा भी। इसी सब को दृष्टिगत रखते हुए ये 2 दिन का आयोजन करा गया है और उम्मीद करते हैं कि इससे न केवल बुनकर साथियों को बल्कि अन्य भी जो उत्पाद हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं जनपद की, उनको बहुत सहारा मिलेगा।